जल्द संसद का सत्र भी बुलाया जा सकता है। खबर है कि 22 जून को संसद सत्र की संयुक्त सभा को राष्ट्रपति संबोधित कर सकती हैं। 18 या 19 जून को संसद सत्र शुरू हो सकता है और सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होगा, उसके बाद नए सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी, उसके बाद 20 या 21 जून को स्पीकर का चुनाव हो सकता है। तो देखिए किस तरीके से पूरी प्रक्रिया यहाँ पर होती है। मंत्रिमंडल का जो आकार है वो यहाँ पर साफ हो चुका है, लेकिन अब जल्द ही जो नया सदन है उसको संबोधित भी यहां पर द्रौपदी मुर्मू की ओर से, राष्ट्रपति की ओर से किया जा सकता है। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शपथ के बाद आज सुबह पीएमओ में चार्ज संभाला और कार्यभार ग्रहण करने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पहली फाइल की वो फाइल किसान निधि से जुड़ी हुई थी और पीएम नरेंद्र मोदी ने 20,000 करोड़ रुपए की 17वीं किसान निधि की किस्त भी यहां पर जारी कर दी है, जिससे 9.5 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा। पीएम ने अपने पहले बड़े फैसले में कहा कि इससे हमारी सरकार की किसान हित के प्रति प्रतिबद्धता को दिखाता है और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पहली फाइल किसान कल्याण से जुड़ी साइन की और आगे भी नई सरकार किसानों के हित के लिए यहां पर लगातार काम करती रहेगी। और तीन तस्वीरें आपको यहां पर हम दिखाते हैं जहां पर नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभाला है। ये तीन तस्वीरें आपके सामने, सबसे पहले शुरुआत होती है साल 2014 से, जब मोदी 1.0 की ये सरकार बन रही थी, तब अपना कार्यभार संभालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर। दूसरी तस्वीर है साल 2019 की, जब दूसरा कार्यकाल उनका शुरू होता है और उस दिन की तस्वीर जब उन्होंने दूसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाला। और आज की बेहद ऐतिहासिक तस्वीर, क्योंकि 62 साल बाद ऐसा हो रहा है कि लगातार तीसरी बार कोई प्रधानमंत्री एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहा हो। तो ये दिन, कल का दिन खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, उनके मंत्रिमंडल के लिए बेहद ऐतिहासिक था और उससे जुड़ी ये तीन तस्वीरें आपके सामने। उधर अमित शाह ने किसान निधि की किस्त जारी करने को बड़ा कदम उठाया और उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है। यही वजह है कि मोदी 3.0 का पहला दिन किसानों को समर्पित रहा है। तो देखिए, अमित शाह ने किसान निधि की किस्त जारी करने को लेकर ये बड़ा कदम बताया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एनडीए सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोच्च है। और अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर इसे लेकर एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि मोदी 3.0 का पहला दिन किसानों को समर्पित। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर 20,000 करोड़ वितरित किए, जिससे लगभग 9.3 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को सहायता देने वाली ये योजना है। तो अमित शाह ने यहां पर सोशल मीडिया एक्स पर इसे लेकर एक ट्वीट किया है, वही ट्वीट हम आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने लिखा, मोदी 3.0 का पहला दिन किसानों को समर्पित है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी कर 20,000 करोड़ वितरित किए, जिससे लगभग 9.3 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को सहायता देने वाली इस योजना की अब तक की 16 किस्तों में 12 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 3 लाख करोड़ से अधिक सीधे डीबीटी से वितरित किए गए हैं। ये निर्णय बताता है कि एनडीए सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक है। मैं इस कल्याणकारी निर्णय के लिए पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के करोड़ों किसानों की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। और नई सरकार के गठन के साथ ही मोदी सरकार एक्शन में भी आ गई है और आज शाम 5 बजे मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है और इस बैठक में बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। पीएम आवास योजना ग्रामीण का बजट बढ़ सकता है और 2 करोड़ नए घरों को हरी झंडी यहां पर दी जा सकती है। इसके अलावा बैठक में मोदी कैबिनेट राष्ट्रपति से संसद का सत्र बुलाने का आग्रह भी करेगी और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने का आग्रह भी यहां पर उनकी ओर से किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से पूरी प्रक्रिया यहां पर हो रही है। मंत्रिमंडल तय हो गया है और अब केवल जिम्मेदारियां वितरित करना बाकी है। और बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई। केरल के त्रिशूर से बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने कल राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली थी और अब उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा है कि वो मंत्री बने रहना नहीं चाहते और पार्टी से गुजारिश करेंगे कि उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाए। उन्होंने इसके लिए फिल्मों के लिए काम में व्यस्तता को वजह बताया है और उन्होंने कहा कि कुछ पहले से किए वायदे जिन्हें उनको पूरा करना है, जिसकी वजह से वो मंत्री पद की शपथ तो उन्होंने यहाँ पर ले ली है, लेकिन वो ये पदभार संभालना नहीं चाहते हैं। तो देखिए, बड़ी खबर हम बता रहे हैं, कल ही उन्होंने यहाँ पर शपथ ली और केरल के त्रिशूर से आते हैं बीजेपी सांसद सुरेश गोपी। भारी जीत के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं, मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया और कल राज्य मंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ तो ली। ये तस्वीर उनकी आपको दिखा रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह के दौरान वो पहुंचे, शपथ भी उनकी ओर से ली गई, लेकिन अब उन्होंने कहा है, एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें कहा कि वो इस पद पर रहना नहीं चाहते और वो गुजारिश करेंगे कि उन्हें इस जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए।
और मोदी मंत्रिमंडल में पहली बार शामिल हुए जेडीयू के रामनाथ ठाकुर को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया है। उन्होंने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि पीएम ने किसानों की समस्या से शुरुआत की है, धीरे धीरे आगे सभी समस्याओं पर फैसला लिया जाएगा। रामनाथ ठाकुर प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने पहला फैसला किसानों को लेकर किया है, किसानों से जुड़ा फाइल साइन किया। बहुत अच्छा काम यहाँ है, बधाई के पात्र हैं। किसानों की समस्याओं पर पहला शुरुआत किया है, इसी तरह शनय शनय सभी समस्याओं पर निर्णय करके उसका निराकरण। आपको लगता है रामनाथ ठाकुर जी आपको मंत्री बनाया है और एक बड़ा जिम्मेदारी आपको दी है, पोर्टफोलियो बाद में तय होगा, कितनी जिम्मेदारी से आप काम करेंगे? जो जिम्मेदारी मिली है उसको सच्चाई के रूप में हम निर्वहन करने का काम। और किसानों को लेकर जो ये फैसले प्रधानमंत्री करते हैं, आपको लगता है कि जिस तरह से 10 साल उन्होंने गरीब किसान से जुड़ी योजनाओं पे काम किया, आम लोगों की योजनाओं पे काम किया, उसी तरह के फैसले आने वाले वक्त में भी होंगे? निश्चित रूप से। विश्वास था कि प्रधानमंत्री और नीतीश जी आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि पहले भी आपका नाम आते रहे। हाँ भाई, महानता है कि बिल्कुल। तो जा रहे हैं अपने कुछ कार्यक्रम के लिए, लेकिन पोर्टफोलियो अभी पटना बाकी है, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि किसानों के हित का प्रधानमंत्री ध्यान रखते हैं, इसीलिए उन्होंने किसान से जुड़ा पहला फाइल साइन किया है, किसानों के हित का ध्यान रखा है। कैमरा पर्सन ईश्वर के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। और उधर शपथ ग्रहण के एक दिन बाद टीडीपी की ओर से बड़ा बयान आया है। टीडीपी प्रवक्ता ज्योत्सना तिरुनागरी ने कहा कि आंध्र प्रदेश के लिए बड़ा आर्थिक पैकेज हासिल करना सबसे महत्वपूर्ण है, इसके साथ ही राजधानी अमरावती का निर्माण सबसे बड़ी चुनौती है, इसी वजह से हमारे लिए बड़े आर्थिक पैकेज लाना सबसे ऊपर है। ये बयान सामने आया है टीडीपी का, और टीडीपी ने साफ कहा है कि राजधानी अमरावती का निर्माण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैडम, ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एक बड़ा इशू रहा है हमेशा, जो टीडीपी की हमेशा मांग रही, उसको लेकर क्या केंद्र से कोई बातचीत हुई है और क्या आगे रोड मैप? अभी तक तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को लेकर केंद्र से कोई बात तो नहीं हुई है, क्योंकि मैं एक चीज बताती हूँ, 2014 में जब आंध्र प्रदेश को विभाजित किया गया था, उस टाइम पे एक 10 साल के लिए एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, व्हाट वी कॉल दैट वाज टेकन इनटू कंसीडरेशन, उसके नियम तो बहुत सारे, खाली स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी पेंडिंग है। जैसे हम लोग पोलवरम की बात लें या फिर कैपिटल फॉर द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश की अमरावती की बात करें, तो बहुत सारे चीजें अभी पेंडिंग है, तो शायद इन चीजों पर अभी हमारी इम्पोर्टेंस पे हमारे तरफ से एक इम्पोर्टेंस भी ज्यादा रहेगा, और हमारे तरफ से हम उन चीजों को पहले हासिल करना चाहेंगे। और रही स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात, तो 2019 में हाँ, क्योंकि जब स्पेशल पैकेज जिसकी मतलब थोड़ी बहुत इधर उधर हुआ था, जब हमने वाकई में हम लोगों ने मांगा था कि बिकॉज यू हैव अनदर 5 more years फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट टू कंटिन्यू, सो प्रोबेबली वी माइट रिक्वायर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, बोल के हम लोगों ने तब, वो एक चुनाव का मुद्दा था 2019 में, मगर अब जब आ गया तो आज राष्ट्र में